नितेश, देख तुझे मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरी बहन के लिए तुझसे अच्छा लड़का कोई नहीं मिलेगा। तू बस एक बार मिल ले उससे। थैंक यू यार। तो तू जानता है मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, सिर्फ तू है। और तू ये भी जानता है मेरी जॉब कितनी मुश्किल से लगी है ना। देख मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर तू अपनी बहन की शादी मुझसे करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। बल्कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी होगी। देख नितेश, एक बात और तुझे बताना चाहता हूँ कि सुनीता मेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरी मुँह बोली बहन है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो मामा के घर पे रहती है। वो भी तेरी तरह बिल्कुल एकदम सीधी सादी है, और मेरे हिसाब से तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तो फिर ठीक है, मैं उसे जल्दी मुंबई बुलाता हूँ, और फिर इनफैक्ट कल ही बुलाता हूँ, और फिर परसों मंदिर में शादी। अच्छा, ऐसा तुम्हें ठीक लगे। चलो थैंक यू यार। नहीं, अगर तुमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। देखो आज तक सिर्फ मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाई से सुना है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, और तुम सच में इतनी खूबसूरत हो। या तुम मेरे बारे में पूछ सकती हो, कम से कम इस बहाने हम लोग बात करना तो शुरू करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब कुछ इतने जल्दी में हो गया। समझ सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं, दोस्ती से। मैंने सुना है इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज दोस्ती है ना। हाय, आई एम नितेश। सुनीता। अच्छा एक काम करते हैं, तुम बहुत थक गई होगी आज, तुम सो जाओ, मैं यहीं बाहर सो जाता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बिना किसी प्रॉब्लम के तुम मुझे बुला सकती हो। आप चाहें तो यहाँ सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी सो जाओ। हर लड़की का एक सपना होता है कि वो अपना घर बसाए और अपने पति को और अपने घर वालों को हमेशा खुश रखे। तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि अपनी शादी वाली रात सुनीता अपने पति से ही मुंह मोड़ गई थी। कैसा यार? मैं बढ़िया हूँ यार, तू बता। क्या बस बढ़िया हूँ यार, कुछ शेयर करना था तुझसे। हाँ बोल। देख तू तो जानता ही है मेरे पास तेरे अलावा और कोई भी नहीं है। हाँ क्या हुआ यार? सुनीता पता नहीं क्यों बुझी बुझी से रहती है, बात नहीं करती है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ वो खुश नहीं है। अच्छा यार, होता है कभी कभी शादी में, स्टार्टिंग में नए नए घर में गई है। उसका कुछ है भी नहीं ना कोई मेरे अलावा, तो हो सकता है उसका उसकी वजह से होगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि वो कहीं बाहर है,
यहाँ मेरे साथ नहीं है, मतलब हमेशा कुछ अलग अलग खोई खोई से रहती है, तो समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा यार, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, अच्छा टाइम देता और कोई जरूरत नहीं है। शादी की उलझनें निपटने के बाद और उलझनों के बादल छटने के बाद सुनीता का मन अब शांत रहने लगा था और सुनीता के मन में अपने पति के लिए हमदर्दी और प्यार बढ़ने लगा था। नितेश, नितेश, हाय, हाय, गुड मॉर्निंग। मैंने एक्चुअली तुम्हारे लिए चाय बना था, तो तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सॉरी, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, अकेला रहता था, यू नो बैचलर्स। अब तुम आ गई हो तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चाय बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तो तुम चाय पी लेना। थैंक यू। धर्म है, अच्छे भी है। ओके। आप चाय पी लो, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ तुमने चाय नहीं ली? मैं बाद में पी लूंगी। अरे सुनो, थोड़ी देर अगर बैठ जाती तो पहले नाश्ता बना लेती। नितेश तुम ठीक हो? हाँ बस थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ठीक है? ओके, तुम ध्यान रखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। प्लीज अदरक डाल देना। हेलो
सुनो, आज वो घर पे हैं, आज तुम यहाँ मत आना। मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे तुमसे मिलना है। कितने दिन हो गए यार, मैं आ रहा हूँ, तुम किसी भी तरह से उसको कहीं कहीं भी भेज दो। अरे लेकिन समझने की कोशिश करो। अरे किसी भी बहाने उसको कहीं किधर भी भेज दो, मुझे मतलब नहीं है। हाँ वो जैसे ही बाहर जाए मैं आ जाऊंगा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। पर वो तुम्हें देख लेगा। हेलो हेलो, नीतीश मैं तो सच में बहुत बुखार है। तुम्हें इसीलिए कहती हूँ ओवरटाइम मत किया करो हमेशा ऑफिस में, तुम सुनते ही नहीं हो। लो चाय पी लो। अगर ओवरटाइम नहीं करूंगा तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? सुनो मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो तुम्हें अच्छे मेडिसिन दे देंगे, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। सही कह रही हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास हूँ, तभी आगे जा रही हूँ। ओवर टाइम करना बंद कर दो। जल्दी आ जाना। सुनो वो हॉस्पिटल चला गया, तुम आ जाओ। क्यों नहीं किया इतने दिन फोन? हाँ तुझे पता है ना कि तेरे बिना नहीं रह पाता मैं। हाँ नितेश हमेशा घर में रहते हैं तो कभी तो टाइम निकलता होगा, ऑफिस जाता होगा। और मैंने उससे शादी क्यों की तुम्हारी? हाँ तुम्हारी खुशी के लिए ना। हाँ कि तुम हमेशा खुश रह पाओ, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे से जब भी मौका मिले ना फोन करना मुझे, ठीक है? घबरा क्यों रही हो? पहली बार नहीं। दोस्तों भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, एक ऐसा रिश्ता जिस पर पूरा समाज आंख मूंद कर भरोसा करता है। यह रिश्ता समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, पर अगर यही रिश्ता कभी तार तार हो जाए, बिखर जाए, तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, नष्ट नाबूद हो जाता है, बिखर जाता है।
हेलो, फोन क्यों काट रहे थे? मुझे मिलना है तुझसे। मैं नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? कल वो घर में है। ए, मुझे उल्लू उल्लू मत बना दो। मुझे पता है कि वो मीटिंग में जाएगा कल और उसी टाइम पे मैं आऊंगा, समझ गए ना? चल ठीक है, कल मिलता हूँ मैं, अभी रख रहा हूँ। ठीक है। हेलो हेलो, सुनो, सुनीता, क्या है सब? तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन के साथ? आई कैन एक्सप्लेन वॉट यू कैन। और तू, तूने मुझसे इसलिए शादी की थी अपने भाई के साथ ये सब कर सके? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नितेश, तुमसे कितना प्यार किया, जो तुमने चाहा वो किया, जो चीज तुमने मांगी थी मैं वो ला कर दी। मैं दीपक से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उससे, मगर मेरा भाई मेरा बचपन से शोषण करता आ रहा है। मैं हमेशा उसके चंगुल के अंदर रह चुकी थी, मुझे जाने ही नहीं देना चाहता, और इसीलिए उसने तुम्हें पकड़ा। मैं दीपक के साथ भाग के शादी करने वाली थी, लेकिन दिलीप को जब पता चला, उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ तय कर ली। तुम दीपक के साथ कहीं दूर चली जाओ। कहाँ रहता है? इसी शहर में। ठीक है, तुम उसे बुलाओ और उसके साथ चली जाओ, उससे पहले ये मेरे हाथ खोल जाओ। लेकिन अगर दिलीप को पता चल गया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। नजायज रिश्तों का कोई भी भविष्य नहीं होता। ये रिश्ते महज लालच के लिए या किसी फायदे के लिए ही बनाए जाते हैं। दिलीप ने एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद की, मगर वहीं नितेश ने समझदारी से काम लेते हुए अपनी बीवी को दिलीप के चंगुल से तो निकाला ही, और साथ साथ दिलीप को उसके किए की सजा भी दे दी। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, सोचें, समझें, परखें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। आपसे दोबारा मिलूंगा एक और क्राइम सीरीज की नई कहानी में। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, होशियार रहें और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।